नमस्कार, मैं उमंगल। वेलकम टू उमंगल की रेसिपी। आज हम देखेंगे बैंगन का सालन। बहुत टेस्टी और इजी रेसिपी है और आपको ज़रूर पसंद आएगी। और ये करी और सब्जी दोनों का मिक्सचर है और आसानी से बन जाती है। आइए, इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए और देखते हैं। और इसके पहले, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे यूं ही सपोर्ट करते रहिए। तो आइए देखते हैं बैंगन के सालन के लिए क्या चाहिए हमें। और बैंगन का सालन के लिए चाहिए हमें बैंगन जो 250 ग्राम है, और हमने इसे धो के अच्छी तरह से ड्राई कर लिए है। इसे ड्राई कोकोनट, इसे हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। ये हाफ कप है। तीन से चार कलियाँ लहसुन की, पाव टी स्पून टर्मरिक पाउडर, दो टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, घाटी मसाला है ये, आसानी से बाज़ार में अभी मिलता है, एक टीस्पून धनिया पाउडर, एक टीस्पून जीरा पाउडर, एक टीस्पून गरम मसाला पाउडर, तेल हमें तड़के के लिए, और नमक स्वाद के अनुसार। हम पहले कोकोनट और सारे मसाले मिलाकर इसका एक ड्राई पाउडर बनाने वाले हैं। इसके पहले जो हमने ये बैंगन है, इसे हमें, इसके डंडी है ये पूरी नहीं रखनी है, इसे इस तरह से हमें निकालेंगे। और ये जो है इसे हमने इस तरह से निकाल लेना है, पूरा नहीं निकालना है, ये बॉटम का पोर्शन। ये दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इसी तरह से हमने सारे कर लिए थे पहले ही। और अभी पाउडर बनाते हैं हम कोकोनट का। हम मिक्सी में ले लेंगे कोकोनट, इसे हमने ड्राई रोस्ट कर लिया था। लहसुन, गार्लिक की चार कलियां, ये सारे जो मसाले हमने लिए हैं वो हम इसी में डालेंगे, इसमें रोस्ट कर ड्राई पाउडर कर लेंगे इसको। लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और नमक जो बैंगन में हमें लगना है उसी हिसाब से। और इसका हम पाउडर बना लेते हैं। हमारा ड्राई कोकोनट का पाउडर तैयार है। हम एक बोल में निकालेंगे। ये जो मसाला है इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल, दो टेबलस्पून, और इसे मिक्स कर लेंगे। ये जो हमारे बैंगन है इसमें हमें ये मसाला भरना है, तो बैंगन को पहले हम इस तरह से कट करेंगे। पूरा नहीं कट करना है, सिर्फ प्लस का साइन देना है इसे, और इस तरह से, और इसमें ये मसाला जो है वो भरते जाएंगे। इसी तरह से दूसरा भी बैंगन करेंगे।
हमने पहले ये कट करके इसलिए नहीं रखा था क्योंकि बैंगन जल्दी से काले पड़ जाते हैं, इसलिए कट करेंगे और वैसे ही मसाला भरते जाएंगे। हमें सारे बैंगन में ऐसे ही मसाला भरने लेना है। तैयार है हमारे बैंगन, हमने इस सब में मसाला भर लिया है और हमारा जो ये बाकी बचा हुआ मसाला है इसे हम इसमें जब तड़का लगाएंगे तब इस्तेमाल करेंगे। हमने एक पैन गरम करने के लिए रखा है, इसमें डालेंगे ऑयल, ज़रा ज़्यादा ऑयल डालना है फिर इसमें जो तड़का है वो सबको पसंद होता है। पैन में ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे हम कड़ी पत्ता लेस और एक छोटा ओनियन। ये जो हमारा मसाला बाकी था वो, और इसमें थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसी में डालेंगे हम हमारे जो बैंगन हमने भर लिए थे। दो मिनट फ्राई कर लेंगे इन्हें। इसमें डालेंगे थोड़ा धनिया, डालेंगे पानी हम बैंगन पकने के लिए। हमें बैंगन का सालन बनाना है तो हम पानी थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और इसे बंद कर लेंगे कुकर को और इसे दो विसल आने तक हम पकाएंगे। दो विसल हो चुके हैं और हमारा कुकर उसका प्रेशर भी रिलीज हो चुका है। हम खोलते हैं इसे। तैयार है हमारे बैंगन का सालन, इसे हम बोल में निकालेंगे। और इसकी जो ग्रेवी है ये भी लेंगे हम और इसके ऊपर डालेंगे हम एकदम थोड़ा सा हरा धनिया। तैयार है हमारा बैंगन का सालन। तैयार है हमारा बैंगन का सालन, आसान है, एकदम आसान है, टेस्टी भी है और बहुत टेस्टी बनी है ये रेसिपी। ज़रूर घर में ट्राई कीजिए और ज़रूर मुझे आपके अनुभव बताइए और मैं आपका वेट करूँगी। और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल है उसे क्लिक करेंगे तो आपको मेरे आने वाली नई नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और
आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, और मेरे चैनल रेसिपीज शेयर भी कीजिए और लाइक भी ज़रूर दीजिए। और मेरी ये दो रेसिपी आप देखेंगे वो भी आपको ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर देखिए। और मेरे फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करने में आसानी होगी। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।